सर आज आपकी मीटिंग है 3 बजे। आज पॉसिबल नहीं है, आई हैव टू गो। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, कब फ्री हो रही हो भाई? अंबर तुमसे कितनी बार कहा है मुझे ऑफिस आके तंग मत किया करो, अभी तो बिल्कुल घर नहीं जा सकती, बहुत सारा काम है और आज सर भी जल्दी घर जा रहे हैं। तुम भी जल्दी काम कर लो ना ताकि हम भी घर जा सके। रोशन आज एसएन टीम लीड करेगा, ये इवेंट कहाँ है? सर मैं बताती हूँ। ऐसे करो मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजना। श्योर सर। सर ये मेरी सिस्टर है अंबर। हेलो। हाय, मेक श्योर आपकी सिस्टर मेरे साथ लंच करके जाए। श्योर सर। गुड सीइंग यू। बॉस को इतना ही हैंडसम होना चाहिए। रेडी? रेडी है सर। थैंक यू। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, और थैंक यू कि आपने इस साल भी हर साल की तरह हमारी खुशी में शामिल होने के लिए वक्त निकाला। आज हमारी 7th वेडिंग एनिवर्सरी में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। Happy anniversary, sweetheart. So creepy. My dear Sidra, हमेशा की तरह तुम आज भी आई। हमेशा की तरह उन्हें आज भी मुझे मुबारकबाद नहीं दी, और हमेशा की तरह तुम मुझे अभी एक लंबा सा लेक्चर देने वाली हो, और हमेशा की तरह इस बार भी तुम मेरी एक नहीं सुनोगे। मुस्कुराए हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया? बाय द वे याद नहीं, लेकिन फेक स्माइल दिए हुए 10-20 साल तो हो गए होंगे। वो सब लोग जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी में शामिल थे, अगर उनकी बातें तुमने सुनी होती तो मेरी तरह तुम भी मुस्कुराना छोड़ देते। प्लीज, इस वक्त नहीं। इस वक्त नहीं तो फिर कब? कब तुम मेरी बात सुनोगे? कब तुम मेरे पास आओगे? इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। अगर मैं तुम्हारे पास आया तो मुझे तुम लीना के पास नहीं जाने दोगे, दूर कर दोगे हमें। और तुम आने में जितनी देर करोगे खुद को अपने आप से दूर करते जाओगे। क्यों? Happy anniversary, my love. Happy anniversary. आज हमें 7 साल हो गए एक दूसरे के साथ।
सात साल एक साथ। तुमने सुना कि वो सिद्रा का कहीं? आज हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। तुम्हें कैसा लगा? बहुत सॉरी यार, ये देखो सारी चीजें अपनी जगह पर। जानती हो आज बहुत जरूरी मीटिंग है, ये सोच रहा हूं। कैसी लग रही तुम्हें इसके साथ? ब्लू तुम्हारा फेवरेट, अच्छा लगता हो ना इसमें? तुम फिक्र ना करो, मीटिंग खत्म होते ही मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। वीके फर्स्ट स्टूडेंट ब्राइडल कुछ और के लिए बुक है सर, और उसके बाद सलीमन सन्स का वलीमा यूनिट है। सलीमन सन्स? क्योंकि हर 6 महीने बाद कोई शादी होती है। हेलो निमी आंटी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नॉटी बॉय, तुम फोन पर ही विश करोगे? मुझे पता है तुम क्यों आओगे। अरे निमी आंटी, जान है आप मेरी, मगर क्या हुआ कि मैं आज ही ऑफिस जब जान है निमी आंटी, जान है। मैं तो सिर्फ एक क्लाइंट हूँ तुम्हारी, और वो भी इतनी पुरानी नहीं, सिर्फ 1.5-2 साल। Do you have any idea how much I respect you? And you don't know how much I love you. तुमने मेरी बर्थडे की कवरेज के लिए टीम तो भेज दी, लेकिन तुम खुद नहीं आए। आई नो, इतनी लो प्रोफाइल इवेंट की तुम खुद कवरेज नहीं करते। Never mind. अरे निमी आंटी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही हैं आप। आ रहा हूँ। Good. See you then. Okay, with office. Hello. Hello. Sir, आप? As a guest आया हूँ। सब सेट है? Yes, sir. ये फ्लावर अरेंजमेंट किसने लगाया है? फोटोग्राफी के एंगल से बिल्कुल गलत है। और ये क्या स्केट यार, इसको यहाँ हिलाओ तो यहाँ से उठाओ, सनसेट कवर करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सर, गेस्ट के मशवरों पे कान न धरने का ऑर्डर भी तो हमारे बॉस का ही है। शट अप, फूल उठाओ, मैं आया। ए क्यू माय डार्लिंग, नेमी आंटी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, सो हैप्पी फॉर यू। देखिए सबसे पहले पहुंच गया हूँ, अब मेरा पूछने का हक बनता है, कितनी भी बर्थडे थी ये? तुम केक खाओ, कैंडल बेक, यू नो। एक्सक्यूज मी, मेरे मेहमान आने शुरू हो गए। आई हैव टू गो, एक्सक्यूज मी बाबा, एक्सक्यूज मी। मैम आप समझने की कोशिश करें। क्या कोशिश करूं, आपकी हिम्मत कैसे उस कैस्केट को यहाँ से हटाने की? आपको अंदाजा है मेरी कितनी मेहनत और कितना वक्त लगा इसको बनाने में? मैम इसकी वजह से लाइटिंग का इफेक्ट बहुत बैड आ रहा था। आप लोग होते कौन है मुझे बताने वाले कि कहाँ पर रखना ठीक है और कहाँ पर नहीं? सर आप ही कुछ समझाइए, ये हमारी बात सुनने पे तैयार नहीं है। ये इश्यू क्या है? सर दोबारा वही फिक्स करें जहाँ पर था, अंडरस्टैंड? मिस, हमारा रोज का काम है, अब हमारे काम में इंटरफेयर कर रही। मैं इंटरफेयर कर रही हूँ? आप लोग मेरे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं।
यहाँ का डिकोर फ्लावर अरेंजमेंट मेरी जॉब है और सब कुछ मैंने मिसेस मलकाना से पहले से अप्रूव कराया था। तो फिर अब आप लोग कौन होते हैं बताने वाले कि कौन सी चीज गलत जगह पर है? अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं मिस्टर? देखा, उन्हें भी कोई एतराज नहीं। चलिए इसे वापस दोबारा फिक्स करें विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। कितने कैसे साहब सब आपको मिलने के वास्ते आए। थैंक यू। मेरे मलकाना जी से नहीं मिलोगे? कौन आया? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ये क्या बात, मैं निम्मी आंटी और मलकाना जी सर। आप जेलस तो नहीं फील कर रहे मलकाना जी? Oh, hi. I'm coming. Excuse me. Hello. Yeah. Thank you. मैंने भी अच्छी सुना दी उसे। खामोशी से सर झुकाकर वापस चला गया। याद रखेगा। तुम्हें पता मेरी बहन इन्हीं के पास काम करती है। तो तुम मेरे पास काम करती हो? साइड उसकी लोगी जिसके पास मेरी बहन जॉब करती है। मैं कब साइड ले रही हूँ रबाब? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कल इत्तेफाक से पहली बार इनसे मुलाकात हुई और इनके बारे में ना एक अजीब सी बात पता चली मुझे। कौन सी अजीब बात? कल इनकी वेडिंग एनिवर्सरी। इसमें अजीब बात क्या है? वेडिंग एनिवर्सरीज तो होती हैं। लेकिन इनकी वाइफ की डेथ को 5 साल हो। व्हाट्स द बिग डील? मैं भी अपने बाबा के गुजर जाने के इतने साल बाद भी हर साल उनकी बर्थडे पर केक काटती हूँ। इट्स प्रीटी नॉर्मल। हाँ, लेकिन पार्टी थ्रो करना, गिफ्ट्स लेना, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है रबाब। और नौशीन बता रही थी कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद से ना सर मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। आज तो कुछ ज्यादा होंगे ना, अभी कल ही तो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, आज ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। क्या हुआ? मैं कुछ ज्यादा बोल गई, मुझे सॉरी कहना चाहिए। हाँ कह देना। किधर किधर जा रही हो रबाब? रबाब प्लीज अभी वापस चलो, मैं बहुत थक गई, बहुत काम किया। प्लीज क्या कह रही हो यार, एक तो तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती, बाद में सॉरी कह लेना ना प्लीज। मुझसे गलती हुई है, आप ठीक थे, मैं गलत थी और मुझे आपके साथ इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज आप ऐसा मत करें। आप चलें यहाँ से, चलें चलें यहाँ से। आई नो वेरी वेल कि किसी को खो देने का दुख क्या होता है एंड डिप्रेशन इज रियल, लेकिन मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, हमें जीना पड़ता है मरने वालों को याद रखने के लिए। देखिए इस वक्त आपका अकेले रहना ठीक नहीं है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन में इंसान कोई भी स्टेप ले सकता है, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट, यू हैव योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू। रबाब क्या कर रही हो? मैंने समझा रही थी कि इस तरह बेवकूफाना हरकत है। चलो यहाँ से, आई एम सॉरी सर, इनफैक्ट वी आर रियली सॉरी। चलो रुक तो जाओ, मुझे इनको समझो, मुझे इनसे बात करने दो यार। Thank you.
तो तुम आ ही गए। आना ही पड़ा। बैठो। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। पहली बात तो ये है कि तुम एक सेंसिबल एजुकेटेड इंसान हो, जानते हो कि मेडिकल हेल्प लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। और दूसरे ये कि मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूँ, हमारा एक रिश्ता है सालों पुराना और दोस्ती भी। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम। मैंने उसे देखा है। लेकिन कोई और है, वो लीना नहीं है। यही तो मैं कब से समझा रही हूं कि वो लीना नहीं है। वो लीना हो भी कैसे सकती है, वो तुम्हारा वहम है। मेरा वहम नहीं है, वो जीतती जागती हकीकत है। वो लीना नहीं है, कोई और है। कैसे भगाऊं उस खौफ को, मुझे तो यहां आते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं वो सामने ना आ जाए। वो सामने आएगी तो ही डर कम होगा। तुम उसका सामना करोगे खुद को यकीन दिलाने के लिए कि वो लीना नहीं है। चीज क्या, कभी कभार इतनी मेच्योर और समझदार कि दादी अम्मा लगना शुरू हो जाती, और कभी कभार इतनी चाइल्डिश कि अनरीजनेबल हो जाती। ये क्या हरकत थी करने वाली? अब खामोश क्यों, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कभी कभार ना तुम बिल्कुल पागल हो जाती हो कि अपनी लिमिट से भूल जाती हो। ओ रियली, जैसे अभी तुम अपनी लिमिट भूल रही हो। मैं याद दिला दूं, मिस अंबर आप सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी एम्प्लॉय भी हैं। ये धोंस ने आइंदा मुझे कभी मत देना। मजाक करी थी यार। तुम क्यों मुझे सुनाई जा रही हो उस वक्त से? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया है। I honestly thought कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। तुम जानती तो हो कि मैं इस फेज से खुद गुजर चुकी हूँ। अकेले रह जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, पर कभी कभार ना अकेले रह जाने से ना दिमाग पर असर पड़ता। दिन ब दिन पागल होती जा रही हूँ, शादी कर लो। लो, तुमने मुझे पागल होने का सर्टिफिकेट ही दे दिया। अब कौन करेगा मुझसे शादी? कोई पागल ही होगा। तो कोई नहीं, मिलकर कोई अच्छा सा पागल ढूंढ लेते हैं। पागल, और वो भी कोई अच्छा सा? हाँ ना, जेन्युइन होना चाहिए। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? वो मुझे लीना जैसी क्यों लगी? बिल्कुल नहीं, वो होगी लीना जैसी, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। दुनिया में एक जैसी शक्ल के बहुत से लोग होते हैं। मैंने तुम जैसे दो देखे हैं अब तक। तुम सीरियसली क्यों नहीं ले रही मेरी बात को? बताओ, बिल्कुल लीना लगती थी, हूबहू लीना। वही नाक, वही माथा, वही होंठ, और वही और क्या, वही आंखें, वही बाल, वही आवाज। तो फिर वो लीना जैसी कैसे हुई? तुम हमेशा कहती हो कि लीना एक बहम है, मगर जब भी वो मुझसे मिलने आती है, मुझसे बात करती है, तो मुझे कभी अपने उस बहम से खौफ नहीं आता, बल्कि सुकून मिलता है उसके आने से। मगर उस लड़की को देख के मुझे डर लग रहा था, खौफ आ रहा था। तो तुम्हें इस खौफ को भगाना होगा, वरना एक मसला हल होने से पहले तुम दूसरा मसला पैदा कर बैठोगी। कैसे भगाऊं उस खौफ को, मुझे तो यहाँ आते हुए भी डर लग रहा था कहीं वो सामने ना आ जाए। वो सामने आएगी तो ही डर कम होगा। तुम उसका सामना करोगे खुद को यकीन दिलाने के लिए कि वो लीना नहीं है। ना वो लीना है और ना ही वो जिसे तुम तन्हाई में बात करते हो। इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आता। मेरा खौफ दूर करने के बजाय
तुम मुझे मेरी लीना से दूर करना चाहती हो। अच्छा मान लिया मुझे वहम है, धोखा दे रहा हूं अपने आप को, मगर इस धोखे से अगर मुझे सुकून मिल रहा है तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ इसलिए है कि लीना के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझा, जैसे वो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कह के गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें उसके जाने का गम है? तुमने उसके साथ सिर्फ 5 साल गुजारे थे, जिसमें से 2 साल तुम्हारी मैरिड लाइफ के थे। मैंने 27 साल गुजारे थे उसके साथ, बहन थी वो मेरी। ठीक है तो कह रही है सदरा, तुम तो कहोगी तुम्हारी बहन जो है जानती है तुम्हारे बारे में वो क्या कहती है? क्या कहती है? यही कि छोड़ दो तुम्हें दुख होगा। दुख मुझे तब होता है जब मैं तुम्हें और सिद्रा को एक दूसरे से अपने लिए लुझता हुआ देखती। तुम दोनों मुझे बहुत प्यारे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। वो तुम्हें अजीज है इसलिए वो मुझे भी अजीज है। जो कुछ वो कहती है मैं कोई गैर कहता तो, अगर तुम्हारी बहन है मैं सुन लेता हूँ तो मान भी लो, मतलब कि जो वो कह रही है। मिलो उससे ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं लीना हूं वो नहीं। Hi. Nice arrangements. Thanks. Do you need anything? Can I help you? हाँ मुझे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपसे सॉरी कहने आया था। मैं भी उस दिन आपसे सॉरी करने आई थी बट ब्लंडर हो गया। मुझे भी आपके साथ इतना लाउड नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry. Coffee? Sure. I really feel कि मुझे बिना सोचे समझे इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए था कि आप उस वक्त, बट टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। इस तरह देखा जाए तो मैं भी अपने बिहेवियर और रिएक्शन को जस्टिफाई कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं करूंगा। मैं कुछ भी जस्टिफाई नहीं करी। दरअसल मैं खुद इस फेज से गुजर चुकी हूँ। 8 साल पहले जब मैं बिल्कुल अकेली रह गई तो मुझे कई बार मरने का ख्याल आया। एक दो बार तो कोशिश भी की बट नाउ इट्स ऑल ओवर। बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि गुजर जाता है। नहीं कभी कभी ठहर भी जाता। मिस्टर ए एक मिनट, मुझे ना ये AQCDZB कुछ अजीब लगता है। If you don't mind, क्या मैं आपको आपके असली नाम से बुला सकती हूँ? Sure. मिस्टर अब्दुल कुदूस। बात यह है कि Excuse me, ये आपको किसने कहा कि मेरा नाम अब्दुल कुदूस है? तो अब्दुल कादिर होगा। I mean, I totally understand. जिस तरह के आप ग्लैमरस सर्कल में रहते हैं
अक्सर लोग नाम चेंज कर लेते हैं, इट्स अंडरस्टैंडेबल. जैसे बुशरा से बुश, कुलसुम से किम, शौकत से शायक, यू नो, अरमान. बिल्कुल, सबका अरमान होता है कि उनका मुख्तसर और कूल सा नाम हो. बट मिस रुबाब, मेरा नाम अरमान है, अरमान कासिम. ओह, ओके. यार बाप, कैसे कर लेती हो तुम ये? और क्यों? अच्छा ना, बस अब्दुल को दोस्त नहीं भी. मुझे तो समझ में नहीं आता ये हमाकते तुम कैसे कर लेती हो. कब बड़ी होगी तुम? तुम्हें पता तो है अंदर, जब बाबा गए तो मैं 14 साल की थी, मामा गई तो 17 साल की. जब वो मुझे बड़ा मैच्योर और समझदार होते ना देख सके तो मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे बड़ा नहीं होना. वैसे समझदार मैच्योर तो तुम हो, सिंगल हैंडली इतना कुछ मैनेज कर लेते. वो अलग बात है कि कभी कभार बस पटरी से उतर जाओ. लेकिन फिर भी यार, भाई अब्दुल कुद्दूस, व्हाट, दैट्स हिज नेम, ज्यादा सूट करता है वैसे ही नहीं. नौशीन को डांटने की जरूरत नहीं है. जब पेशेंट अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी ना आए तो डॉक्टर बिना अपॉइंटमेंट लिए आ जाते हैं. मैं तुम्हारे पेशेंट नहीं हूं. आज तुम्हारा सेशन है मेरे साथ. नहीं जरूरत मुझे. मैं एक डॉक्टर हूं. उसके बावजूद लीना के जाने के बाद मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ी थी. वक्त लगा था सब कुछ नॉर्मल होने में. मुश्किल हुई थी मगर मैंने किया. तुमने तो कटना ही था. इस फेस से निकलना ही था. उसको बुलाना ही था तुमने. तुम्हारी फैमिली है, बच्चे हैं, शोहर है, मेरा तो सब कुछ लेना ही थी. उससे बुला के हर जाएगा मेरे पास. किसने कहा कि उसे भुला दो? क्या मैंने भुलाया? एनीवेज, इस पर हम बाद में बात करेंगे. अभी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी है और मैं घर पे एक ब्राइडल शावर रख रही हूँ. तो तुम्हें एक फोटोग्राफर चाहिए, वो भी फ्री का. ठीक है, भेज दूंगा. नहीं, मुझे प्रॉपर इवेंट मैनेजर चाहिए. तो क्या तुम मुझे उस लड़की के पास ले जा सकते हो? उसका पिन लोकेशन भेज देता हूँ तुम्हें, तुम खुद ही चले जाओ. और कंसेशन कौन करवाएगा? वो तुम्हें जानती है, तो शायद मेरे लिए अपना बजट कुछ एडजस्ट कर ले. तुम ये सेशन करके ही रहोगी. चलो, लेट्स गो. सिद्रा ये हैं रुबाब, और रुबाब ये हैं सिद्रा. बहुत अच्छी दोस्त, फैमिली समझें. ये मेरी बहन हूँ इनकी. मानते हैं, समझते हैं, बस जबान से कहते हुए थोड़ा शर्माते हैं. नाइस टू मीट यू सिद्रा, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो अरमान, तुम्हारी, मेरा मतलब तुम्हारे काम की बहुत तारीफ कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरे घर पे एक इवेंट होने जा रहा है. मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी है, तो मैं चाह रही हूँ कि एक ब्राइडल शावर रखा जाए और तुम उसे मैनेज करो. श्योर, डू यू हैव एनी आइडियाज इन माय इन योर माइंड, एंड समथिंग दैट यू वांट स्पेसिफिकली?
अरे कॉफी तो पीते जाएं। फिर कभी, अब तो हम मिलते ही रहेंगे, क्यों अरमान? जी बिल्कुल। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम जब चाहे कॉल करो, जब चाहे आओ, मैं तुम्हें फ्री हैंड देती हूँ इस इवेंट के लिए। ठीक है, मैं कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट्सएप पे, एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। ओके, सी यू। सी यू। सुकून आ गया उसे एक बार फिर उसके सामने ले जाकर। मेरा वो डर, वो फीलिंग्स सफकती था, मगर हाँ समझ सकता हूं कि इतनी रिजेम्बलेंस देखने के बाद किसी का भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ है। तुमने तो सहब भी किया था, शायद लीना समझ गया। नहीं, वो लीना नहीं हो सकती। ये साबित करने के लिए हर इंसान की अपनी एक महक होती है, अपनी पर्सनालिटी होती है। उसका चेहरा नहीं, वो महक उसकी पहचान होती है। उसे गले लगाने के बाद मुझे यकीन हो गया। और ये मामूली सी रिजेम्बलेंस बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरी थोड़ी बहुत शक्ल मायरा खान से मिलती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, से मेरी टॉम क्रूज से मिलती है। कॉफी? थैंक्स। ये आज तुमसे मिलवाने अपनी बहन को क्यों लाए थे वो? पता नहीं, दिल चाह रहा होगा। और ये उनकी बहन इतने तुम्हारे सदके बारे क्यों जा रही थी? और तो गले भी लगा लिया। पता नहीं, शायद उनका भी दिल चाह रहा होगा। और तुम जो तब से मुस्कुराए जा रहे हो, वो भी बिला वजह? पता नहीं, मेरा भी दिल चाह रहा होगा। ओ, तो वहां दिल तक आ गई है। कॉफी? थैंक यू। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा भी दिल चाह रहा है। Hi. Hello. मैं आप ही से मिलने आ रही थी। बल आ जाए, ऊपर आ जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको लेने आई हूँ अगर आपके पास टाइम हो तो। मुझे लेने? क्यों? Well, एक तो कॉफी ड्यू थी, दूसरा ये कि मैं सिद्रा की तरफ जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कुछ भी डन करने से पहले आपकी ओपिनियन ले लूँ, कहीं ऐसा ना हो बाद में मेरी कोई भी अरेंजमेंट आपकी फोटोग्राफी के एंगल से ठीक ना लगे। ये भी ठीक है। चले चले चले।
Wow, impressive. मुझे नहीं पता था कि तुम केटरिंग भी करती हो इवेंट्स की. नहीं करती. वो तो सिद्रा ने स्पेशली कहा मेन्यू में हनी प्रॉन्स ऐड कराने का. सो मैंने सोचा मुझसे अच्छे हनी प्रॉन्स तो इस पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता. ये सच है, अब कोई नहीं बना सकता. मगर 5 साल पहले तुम्हारा कॉम्पिटिशन था लीना. I'm sorry. मुझे इस वक्त ये बात करके तुम्हें उदास नहीं करना चाहिए था. तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो. I mean, तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए. मुस्कुराने की वजह मिल जाए तो क्यों नहीं. मुझसे नाराज है. Really? किस बात पर? उसी बात से जिससे मैं भी उससे बहुत नाराज हो जाता था. वो मेरे बजाय किसी और को तवज्जो दे तो मुझे बहुत बुरा लगता था. शायद उसे भी इसी बात पर जमानों बाद कोई अच्छा लगा है, किसी के साथ की ख्वाहिश जागी. तो क्या इनकार के डर से मैं अपनी ख्वाहिश दबा लूं? नहीं, आज मैं उसे अपने दिल का हाल बता कर रखूंगी. उसके दिल की वो खुद जाने. लीना, अरे ये देखो, परफेक्टली फ्राइड एग्स, बिल्कुल जैसे तुम बनाती हो. अरे मक्खन. लीना आ जाओ, मक्खन भी ले आया हूं. लीना ठंडा हो रहा है नाश्ता. लीना हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा. ना ही कोई डिस्टर्ब करेगा. लीना लीना मुझसे मिलने नहीं आई. 3 दिन हो गए मैंने उसे नहीं देखा. तो इसे मैं अपने उन 2 सेशंस का कमाल समझूं? इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आता कि तुम मुझे मेरी लीना से दूर कर दोगे. तुम क्या कोई भी नहीं समझते कि वो मेरा वहम नहीं है, वाकई मेरे साथ है हर पल. देखो अरमान, मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूं, और अगर तुम मुझे ये इल्जाम देने आए हो कि मेरी थेरेपी की वजह से वो तुम्हें अब नजर नहीं आती, तो इसका मतलब है कि तुम खुद एतराफ कर रहे हो कि वो तुम्हारा वहम था, तुम्हारे दिमाग का तखयल, जिस पर इलाज से फर्क पड़ा है. मैं नहीं मानता तुम्हारी बातों को, तुम्हारे थियरीज को, तुम्हारे इलाज को. लीना मुझसे नाराज है. Really? किस बात पर? उसी बात से जिससे मैं भी उससे बहुत नाराज हो जाता था. वो मेरे बजाय किसी और को तवज्जो दे तो मुझे बहुत बुरा लगता था. शायद उसे भी इसी बात पर. चुप क्यों हो गए? बताओ अरमान, वो कौन है जिसने तुम्हारा ध्यान लीना से हटा दिया? कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकती. हाँ, क्योंकि तुमने खुद को एक खोल में बंद करके रखा हुआ है. इतने अरसे में ना खुद किसी के करीब हुए, ना किसी और को अपने करीब आने दिया, और दोस्ती की भी तो वो एक
मिसेस निम्मी से, जो कि खुद एक वहम का शिकार है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जाने वाले को रोके हुए हो और मिसेस निम्मी वो जाने ही नहीं दे रही। रुबाब आपसे मिलना चाह रही हैं। आपने बताया नहीं कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ। सर मैंने इन्फॉर्म किया है उनको, लेकिन वो वेट करना चाह रही हैं। वो पूछ रही हैं कि आप कब तक फ्री होंगे। आप उनको कहें कि आज पॉसिबल नहीं है। बताइए क्या कह रही थी आप। I know कि तुम बिजी हो, मुझे अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था, बट आई वॉज गेटिंग वरीड। ना तुम मेरा फोन अटेंड कर रहे थे, ना मैसेजेस चेक किए। कोई काम था? तो क्या हम सिर्फ काम के लिए मिल सकते हैं? अपनी बर्थडे के लिए इनवाइट करना चाह रही थी, अगर कल शाम तुम्हारे पास टाइम हो तो। मना करना चाहते हो? नहीं। तो बस डन, कल मेरे घर ठीक शाम 7 बजे। दरअसल कल मेरा बहुत ज्यादा। और याद रखना कि तुम मेरे इकलौते मेहमान, द वन एंड ओनली। डोंट बी लेट, ओके? क्या तुम उसे प्रपोज करने लगी हो? तुम खुद नहीं तो मेरी अम्मा बनकर ये फर्ज तुम अदा कर दो। कोर्स मैं ही करूंगी। सीधा डायरेक्ट प्रपोज ही कर दोगी? थोड़ा वक्त तो दो खुद को भी और उसे भी। मेरे ख्याल में मैं ऑलरेडी काफी टाइम जाया कर चुकी हूँ। चलो एटलीस्ट इतना ही जानने की कोशिश कर लो कि उसके दिल में है क्या। ये तो उसे प्रपोज करने के बाद ही पता चलेगा ना। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? तो कर दे, तुम हर्ट नहीं होगी? ऑफ कोर्स होंगी, लेकिन क्या इस डर से मैं वो ना कहूं जो मेरे दिल में है? जमानों बाद कोई अच्छा लगा है, किसी के साथ की ख्वाहिश जागी है, तो क्या इनकार के डर से मैं अपनी ख्वाहिश दबा लूं? नहीं, आज मैं उसे अपने दिल का हाल बता कर रहा, उसके दिल की वो खुद जाने। Thank you.
तो तुम नहीं आए। इससे एक बात तो पता चल गई अरमान के, तुम जानते थे कि मैं तुमसे क्या कहने वाली हूं। तुम्हारा ना आना मेरी उस बात का जवाब है जो तुम सुन ना सके, मैं कह ना सकी। दिल में दबी बातें जहर बन जाती हैं, इसलिए तुम आओ ना आओ, सुनो ना सुनो, मैं कहे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू अरमान। हेलो, क्या कब? मैं पहुंच रहा हूं, बस निकल रहा हूं। मुझे अभी पता चला कि कब हुआ है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सबसे पहले तुम्हें फोन किया था, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। हाँ, बस परसों। अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए उस वक्त, इतने सारे लोगों में बैठ के मैं दिल की बात कैसे बात करती तुम्हारे साथ। हाँ, पहले ही मुझे लोग पागल समझ रहे थे, अब तो ठप्पा लग जाता। पागल क्यों समझ रहा है? क्योंकि मैं रोई नहीं, सीना नहीं पीटा, मातम नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं रोई नहीं थी, रोई थी, अगर कब तक रोई थी। ने सालों तक हर रात अकेले में मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी, वो किसी ने नहीं देखा। अपने मलकाना जी को उस हाल में देखना, ना वो बोल सकते थे, ना वो समझ पाते, शायद मुझे पहचान भी ना पाते। रोने का मुकाम तो वो था, अब तो मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने मलकाना जी को आजाद कर दिया। आजाद? हाँ, अपनी मोहब्बत से आजाद। जीते जी भी वो जी तो नहीं रहे थे, सिर्फ एक बेजान वजूद की सांस चल रही थी, लेकिन मैं अपनी जिद की वजह से उनको जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। फिर पता नहीं कैसे उस रात मुझे अचानक ये ख्याल आया कि मलकाना जी को अगर सुकून मिलेगा तो यहां से जाके ही मिले। अपनी खुदगर्जी की वजह से, अकेले रह जाने के खौफ से उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। उस रात मैंने दे दी इजाजत, मुझे चली गई। कैसी बातें कर रही हो? जिंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में, उनका वक्त नहीं था तो वो जीता रहे, आपने नहीं रोका। नहीं अरमान, जिंदगी और मौत अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन कभी कभी हम इंसानों की दुआ भी काफी असर लाती है। मैं हर रात रो रो के मलकाना जी के लिए दिन मांगती थी, ये सोचे बगैर कि उनके लिए तो वो एक दिन भी कितना तकलीफ देता। उस रात मैंने दिल बड़ा करके उनकी जिंदगी की नहीं, उनकी तकलीफ से आजादी की दुआ मांगी। उनको हो गए आजाद, जाने वाले को खुले दिल से खुदा हाफिज कहना चाहिए। रो लो जितना चाहो रो लो, मगर सारी जिंदगी को सोग में नहीं बदलना चाहिए।
लीना को भी वो यहीं लेके आए थे। ओ, फिर तो तुम यहाँ आते रहते होगे। नहीं, इन 5 सालों में पुलसन के बाद आज दूसरी बार आया। इस दुनिया से जाने वालों का इस दुनिया में बाकी रह जाने वालों से रब्ता सिर्फ इसी जगह मुमकिन है। आते रहा करो अरमान, तुम तो अपने ख्यालों में उससे मिल लेते हो लेकिन वो तुम्हें मिलने के लिए यही इंतजार करती है। तुम्हें अपने आसपास ढूंढती, तुम्हारी रूह को जो मैंने तकलीफ दी उसके लिए मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं किसी वहम में नहीं था। मुझे कोई नफसियाती या दिमागी हल भी नहीं था। जो मैं कर रहा था मैं जानता था कि तुम नहीं हो। बस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे होते हुए कोई और कैसे मेरी सोच मेरे दिल तक आ सकता। बोलो, अगर तुम नहीं हो, तुम यकीन नहीं इसलिए उसने खाली जगह देखी तो कब्जा जमा ली। तुम होते तो कैसे करते हो? तो कोई नहीं लगा एक बार की बात समझ नहीं आती अंबर, मुझे आज नहीं आना तो नहीं आना। प्लीज मुझे किसी काम के लिए कॉल मत करो। लो बारिश शुरू, अब तो तुम्हारे पास भी बहाना है घर बैठने का। जाओ अपने घर और प्लीज मुझे बार बार फोन करके तंग मत करो। तुम बाज नहीं आओगी। कल था सच वही है जो मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूं लीना। सच यही है कि अरमान ने अपना हाथ मेरी जानिब इसलिए नहीं बढ़ाया कि उसका दिल मेरी जात की तरफ खिंचा था।
बल्कि इसलिए कि मेरी शक्ल लीना से मिलती। ये मोहब्बत तो ना हुई सिद्रा, ये तो पुरानी मोहब्बत को जिंदा करने की कोशिश थी। तो फिर सिर्फ हैप्पी डे, ये तो कभी भी हो सकता है। आज भी थैंक्स। ये ना पूछो कि मैं कल क्यों नहीं आया, मगर कम से कम ये जरूर पूछ ली कि मैं आज क्यों आया। क्यों आए हो? तुमने तो कहा था दिल में कभी भी बातें शहर बन जाती है, कह देना चाहिए। तुमने कह दिया, अब मैं कहने आया। I love you, Rupa. I really, really love you. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अरमान, बहुत खुश। जानता हूँ। जो काम इतने सालों में मैं नहीं कर पाई, पर अब आपने चंद दिनों में कर दिया। वाकई मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है सिद्रा। अगर तुम मुझे फोर्स ना करती खुद पे यकीन दिलाने के लिए कि वो लीना नहीं रुपाब है, कि उसके मुझे पास जाना चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए, तो आज ये सब कुछ ना होता। अरे यार तुम निकलो, अपने क्लाइंट्स के पास जाओ, वापस जाओ, आने वाली है। अरे अरमान, कबाब में हड्डी बनोगे। यार तुम उसे प्रपोज करने जा रहे हो, किसी रोमांटिक जगह लेकर जाते, कोई कैंडल लाइट डिनर, ये क्या घर पर लेकर आ रहे हो इतनी हसीन बात कहने के लिए? जिस घर में मैं उसे हमेशा के लिए लेके आना चाह रहा हूँ उधर उसका इजहार करूंगा, तो इससे ज्यादा रोमांटिक बात क्या हो सकती है? अरे चलो निकलो, निकलो ना, वो आने वाली है। अच्छा पापा, जा रही हूँ। बाय। थैंक यू। मैं लेट तो नहीं हुई? हाँ थोड़ी देर तो करती, कुछ अरसा पहले आई होती तो जिंदगी के ये चंद साल ते खाली खाली ना गुजरते। देर आमद दुरुस्त आमद। आओ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये सब तुम्हारा कमाल है या लीना ने सजाया था? I'm sorry. मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। Don't be sorry. तुम्हारा हक है हर चीज जानना, हर चीज पूछना। तुम इस घर में आने वाली हो, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली हो। ये घर मैंने और लीना ने बहुत शौक से बनाया था, मगर जिंदगी ने इतनी मोहलत ही नहीं देखी उसे सजा सके। सब कुछ मैंने किया लीना की पसंद और जौक के ऐन मुताबिक, है ना? काफी हद तक, मगर अब ये घर तुम्हारा है, तुम इसे जैसे चाहो सजाओ। मैंने सीख लिया रुबाब, पुरानी मोहब्बत का हक अदा करते करते नई मोहब्बत कैसे निभाई जाती है। हाँ। मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहूंगी, जो जैसा है वैसे ही रहने दूंगी, क्योंकि जो मकाम लीना का आपकी जिंदगी में है वो मैं कभी भी।
ये लेना है। फिर मैं कौन? तुम लोग बाप हो? हाँ मैं रुबाब हूँ। मैं लीना नहीं हूँ, मैं लीना नहीं हूँ। रुबाब, रुबाब रुको, रुको रुबाब, रुबाब मेरी बात सुने बगैर तुम कैसे जा सकती हो? सुनने और जानने के लिए बाकी क्या रह गया है? मैं ही बेवकूफ थी जो समझ रही थी कि तुम मुझे उसी तरह चाहने लगे हो जिस तरह मैं तुम्हें, लेकिन तुम तो उस अक्स के दीवाने थे और हो वो अक्स जो कुदरत ने इत्तेफाक से दो चेहरों पर उतार दिया, लेकिन ये मेरा चेहरा है अरमान, मैं इसमें तुम्हें किसी और को नहीं देखने दूंगी। हाँ, ये तुम्हारा चेहरा है। हाँ, ये तुम हो और मुझे तुम में कोई और नजर नहीं आता, सिर्फ झूठ। वो तस्वीरें देखने के बाद मैं तुम्हारी किसी बहलावे में नहीं आऊंगी। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, तुम्हारी सब खामियों और खूबियों समेत, और मुझे बदले में वही मोहब्बत चाहिए, लेकिन जो चंद नक्श मिलते हैं तुम्हारी पुरानी मोहब्बत से, उसके बदले में ये नई मोहब्बत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किस्मत से हार के
आखिर कब तक शोक मनाओगी उसके ना आने का? अच्छा ही हुआ वो नहीं आए, वरना शायद तुम उसके साथ अपने दिल की बात कर देते। पता नहीं क्या रिएक्शन होता उसका। मैंने उससे कह दिया था। क्या? ओह, तुमने कह दिया और उसने इनकार कर दिया, इसलिए मुंह लटका कर बैठी हूँ? इनकार नहीं किया, मगर मगर क्या? मगर क्या है रबाब, बताओ तुसे हुआ क्या है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो वन साइडेड इश्क होता है ना, तबाही होता है हमेशा। मैं रबाब से मिलने आई हूँ। जी क्या मैं रबाब से अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? या श्योर रबाब, मैं तब तक बैंक से अपना काम निपटाती हूँ। अगर आपको अरमान ने भेजा है तो यकीन जानिए कोई फायदा नहीं। वो जानता भी नहीं कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और रबाब, ये मेरा फर्ज था कि अगर मैं सच बताकर तुम्हारे दिल का गुबार हल्का कर सकती हूँ तो मुझे। कैसा सच? सच वही है जो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ लीना। सच यही है कि अरमान ने अपना हाथ मेरी जानिब इसलिए नहीं बढ़ाया कि उसका दिल मेरी जात की तरफ खिंचा था, बल्कि इसलिए कि मेरी शक्ल लीना से मिलती। ये मोहब्बत तो ना हुई सिद्रा, ये तो पुरानी मोहब्बत को जिंदा करने की कोशिश थी। मोहब्बत ना पुरानी होती है और ना ही मरती है। हाँ, नई मोहब्बत जन्म जरूर लेती है। हर मोहब्बत का अलग रंग, अलग खुशबू और अलग एहसास होता है। तुम अरमान के दिल में उतर कर देखो, तभी जान सकोगी कि सच क्या है। तब तक कम से कम वही सच सुन लो जो मैं जानती हूं। हाँ, पहली बार तुम्हें देखकर उसे यही महसूस हुआ जो तुम सोच रही हो, लेकिन तब वो तुम्हारे करीब नहीं, तुमसे दूर हुआ था। तुमसे मोहब्बत तो उसे तब हुई थी रबाब, जब उसे ये यकीन हो गया कि तुम लीना जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी तरफ आने से पहले वो खुद को इस गुमान से निकाल चुका था। अब तुम भी वहमो गुमान सब झटक दो। गलत फहमी मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। Thank you.
तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, हम डिनर साथ करेंगे। तो तुम आ गए। आना ही था। अब छोड़ के तो नहीं जाओगी? सोचूंगी। Such a chance I'll take. Mr. Abdul Quddus. Tomorrow, Abdul Quddus.